हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और सुबह का टाइम हुआ है, आज जो है कोहरा बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ बहुत ठंड है। और मैडम जी काम कर रही थी अभी, कुछ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रही थी, कपड़ों की तय। और कुछ कैसा रहा मतलब कि दिन की शुरुआत? अच्छी है, दिन की शुरुआत कोहरे के साथ। अच्छा जी, बहुत अच्छा कोहरा आज, तो चल लिए। साढ़े सात चलिए, मौसम खाना बनाओगे आज? कढ़ी चावल, अच्छा। तो चलिए आपको ऊपर लेके चलता हूँ, ऊपर का नजारा दिखाता हूँ। चारों तरफ आज कोहरा ही कोहरा है, और इतना कोहरा है, कल इतनी अच्छी धूप निकली थी, पता नहीं लगा कुछ भी दिन का भी। और मैं और पापा जी कहीं पे गए थे कल बाइक से ही, पीछे देखिए टावर है, टावर भी नहीं चमक रहा आज, इतना कोहरा है फिलहाल। तो बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ मैं, इधर खेत है, इधर बाग है, कुछ नहीं चमक रहा। इधर साइड में घर हो गया, पक्षी भी आज इतने नहीं है सुबह में, और बहुत ही ज़्यादा कोहरा है, बहुत ही ज्यादा देख सकते हैं आप। मंदिर वगैरह कुछ नहीं चमक रहा है, सब चीज एकदम वाइट वाइट है। और मुझे जाना है शामली, मैं सोच रहा हूँ एक या आधे घंटे में निकलूँगा, जब ये थोड़ा कम हो जाएगा और धूप के कोई आसार नहीं है, धूप के कहीं से कहीं तक भी। और आज हवा चली हुई है कोहरे के साथ में, और फूल पत्तियाँ भी थोड़ी मुरझाई हुई है, ठंड ज़्यादा हुई है। ये धनिया हमने बोया है, धनिया भी काफ़ी ठीक ठाक खड़ा है, अच्छा है। और यहाँ पे ओपले बनाने शुरू कर दिए हैं मम्मी जी ने, मैंने अभी गोबर ऊपर छत पे चढ़ा दिया है। तो चलिए चलते हैं नीचे, दिखाते हैं नीचे का हाल। और आज खाने में बनने वाले हैं कढ़ी चावल, देखते हैं कैसे बनाते हैं कढ़ी चावल। ये पौधा काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए मैं इसको लेकर आया था। और ये हमने सिस्टम बनाया हुआ था एक गर्म पानी करने के लिए, इसमें रोड लगाई हुई थी एक 20, इधर ये तार पड़ा हुआ है इसका, ये हम बोर्ड में लगा देते थे और 20 से पानी आता रहता था गर्म। बनाया था मगर ये ख़राब हो चुका है, इसलिए ऊपर रख दिया उठा के। और ये सूरजमुखी का पौधा है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही अच्छा। एक यहाँ पर लगाया हुआ है, अगर ये ज़मीन में होता तो अब तक काफ़ी बड़ा हो चुका होता, इस पर फूल भी काफ़ी बड़ा आता है। और देखते हैं, सब काम हो गए आज, खाना नाश्ता वगैरह अब तक सबका हो चुका है। लगी हुई है साफ सफाई अभियान में, इधर दीपा भी और इधर मोटा भी, क्या कर रहे हो भाई? सोच रही, सोच रही, भूख लग गई है? भूख बहुत लग रही है मोटे। सब क्लीन अप हो चुका है नीचे का काम भी, और मेरे कपड़े भी रेडी है एकदम चलने के लिए, मुझे पहनने हैं। और ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए मैं नहाऊंगा नहीं, इसलिए मुंह हाथ धोऊंगा और जाऊंगा।
मैं दिखाती हूँ आपको कि दीपा दीदी ने मेरे कौन कौन से सूट सिल लिए और मैं काफी सारे कपड़े तैयार करने वाली हूँ। तो चलिए ये देखिए, ये वाला सूट सिला है, प्रेस तो नहीं हुई है, कल ही सिले हैं क्योंकि लाइट नहीं आई थी। और ये वाला सूट है सिंपल से सूट, कहीं भी बाजार बाजार में जाने को। तो ये देखिए, ये वाले मैंने सूट सिलवा लिए हैं और पौन बज चुके हैं, बहुत अच्छे सिले हैं दीपा दीदी ने, वरना मैं किसी और के सिले हुए पहनती हूँ लेकिन दीपा दीदी के सिले मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, पसंद आ गए वैसे मुझे सिले हुए। और एक ये है ग्रीन कलर का, पहले से सलवार देखा जाते, सलवार भी काफी हैवी है, बहुत अच्छा। ये देखिए सलवार भी इसका, और हम आपको इसकी मोरी दिखा देते हैं, डिजाइन कितना अच्छा बनाया, मेरे से भी नहीं आता है डिजाइन बनाना। तो देखो ये देखिए डिजाइन कितना अच्छा बनाया हुआ है, बहुत ही ज्यादा, और दूसरे वाली मोरी का इससे भी ज्यादा अच्छा है, दिखाती हूँ आपको। और एक ग्रीन कलर का ये वाला सूट है मेरा, ज्यादा हैवी तो नहीं है, सिंपल सिंपल से सूट है, अच्छे है, और जब ये पुराने हो जाएंगे डेली यूज में पहनने में कम्फर्टेबल रहेगा। एक ये वाला है, ये भी पोनी बज्जू का है, ये देखिए तो थोड़े बड़े से सिल ले क्योंकि मैं भी मोटी होगी। और ये ग्रे कलर वाले का दुपट्टा है, और ये सिल्ला है इसका सलवार ग्रीन वाले का है, ये देखिए, और दुपट्टा है जो इसका ये वाला, और सलवार ये दोनों मैच के हैं सलवार जैसे ही। और इसकी मोरी देखिए आप, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, और मुझे तो इतनी अच्छी लगी बहुत ही ज्यादा, ज्यादातर मोरी बहुत अच्छी बनाती है दीदी, मेरे से भी नहीं आती, मेरे से तो सीधी आया बिल्कुल बनानी, मैंने दिखाई है आपको पहले भी, ये देखिए कितनी अच्छी बन रही है। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको दीदी के सिले सूट कैसे लगे, और ए, दो साड़ी तैयार करवाने वाली हूँ। और एक ये येलो कलर की साड़ी, और जिसका वो फोटो था वो तो हमने कचरे में फेंक दिया है, और ये देखिए सिंपल सी साड़ी है, डेली यूज करने में मुझे अच्छी लगी, ये देखिए, और ये मैं तैयार करूंगी, सिंपल है बिल्कुल, और इस तरह के मोती है इसमें, यानी कि, और ये बॉर्डर वाली है, और ब्लाउज जो है इसकी कढ़ाई वाली है, ये देखिए ये फ्रंट है सामने से, और ये बाजू है, और ये बाजू के ऊपर लेस है इस तरह की, और मैं इसे भी तैयार कराऊंगी। सिंपल साड़ी कहीं भी पहन के चल दो बाजार वगैरह में, जैसे कहीं जा रही हो आप, शामली वगैरह जा रहे हो, वहां जाने में अच्छी है बिल्कुल। तो मुझे येलो कलर की साड़ी, मेरे पास कोई भी नहीं थी तो मैंने सोचा कि इसे तैयार कराई जाए। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली साड़ी कैसी लगी। ये हो गए हमारे कपड़े, और फिरोजी कलर की साड़ी जो मेरी भाई दोज पर आई थी मायके से, वो वाली भी तैयार कराऊंगी मैं, आज ही करते हैं, मैं फोल लगाऊंगी और दीपा दीदी ब्लाउज सिल लेगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, यानी कि हमारा जो व्लॉग था ये था, और दीपा दीदी ने जो मेरे सूट सिले हैं, दो तीन सूट सिले हैं और दो साड़ी तैयार की है, और मुझे तो बहुत अच्छी लगे सूट सिल रखे जो दीपा दीदी ने। और आप भी बताना कि आपको सिले सूट कैसे लगे, दो ब्लाउज सिली है, ब्लाउज भी आपको दिखाऊंगी बाद में, अभी मैं पूरी नहीं हुई है, सिली सिली है लेकिन तुरपाई वगैरह नहीं हुई है उनपे। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सिलाई करी दीपा दीदी की कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।